आपके साथ नीलकमल सिहाग। पहले रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। महबूबा के बयान पर बीजेपी का हल्ला बोल, जम्मू में पीडीपी दफ्तर पर फहराया तिरंगा। कोरोना को मात देकर 80 साल के मुलायम सिंह पहुंचे लखनऊ। अलवर में शराब ठेके के सेल्समैन को जिंदा जलाया दलित, समाज में आक्रोश, आंदोलन की चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा तिरंगे को लेकर दिए गए बयान पर बवाल मचा हुआ है। सोमवार सुबह श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन किया। कुपवाड़ा के बीजेपी कार्यकर्ता श्रीनगर की मशहूर लाल चौक पहुंचे और तिरंगा फहराने की कोशिश की। लाल चौक के क्लॉक टावर पर कुपवाड़ा के बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे, हालांकि पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। चार बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। बीजेपी की ओर से सोमवार को जम्मू क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में तिरंगा रैली निकाली गई। इससे जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीडीपी कार्यालय पर तिरंगा फहराया और भारत माता की जय के नारे लगाए। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने के बाद उन्हें गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल से रविवार को डिस्चार्ज कर दिया गया। शाम को चार्टर्ड प्लेन से लखनऊ पहुंचने पर सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने उनका स्वागत किया। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया, नेताजी स्वस्थ होकर घर आ गए हैं और कुछ दिन घर पर ही रहकर स्वास्थ्य लाभ करेंगे। आपको बता दें कि 14 अक्टूबर को सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राजस्थान में करौली के पुजारी हत्याकांड के बाद अब अलवर जिले के खैरतल थाना इलाके में एक दलित शराब सेल्समैन को कथित रूप से पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला देने का मामला सामने आया है। घटना के बाद दलित समाज में जबरदस्त आक्रोश फैला हुआ है। उसने आंदोलन की चेतावनी दी है। शराब ठेकेदार सुभाष और राकेश यादव फरार हैं। पुलिस का कहना है कि मौके पर एफएसएल टीम बुलाकर जांच करवाई जाएगी। मामले में और साक्ष्य जुटाने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। दुकान की चाबी मृतक के पास ही मिली है। पुलिस के अनुसार वारदात 2 दिन पहले की बताई जा रही है। खैरथल थाना इलाके के कुमपुर गांव में एक शराब के ठेके में शनिवार रात को आग लगने से वहां कार्यरत झाड़का निवासी सेल्समैन कमल किशोर 22 वर्षीय की जिंदा जल जाने से मौत हो गई थी। मृतक के भाई रूप सिंह ने इस संबंध में खैरथल थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। अपनी प्राथमिकी में उसने आरोप लगाया है कि कमल किशोर ने जब सैलरी की मांग की तो जलाकर उसकी हत्या कर दी गई। और अब खबर चूरू जिले के सरदार शहर क्षेत्र से। पुलिस ने रविवार को शाम शिव मार्केट के पास ताश का जुआ खेलते वक्त 10 जनों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी सतीश कुमार यादव ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर शिव मार्केट के पास एक गली में दबिश दी तो वहां ताश का जुआ चल रहा था। जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 18,720 रुपए नगद व ताश की जोड़ी जब्त की। पुलिस के छापा मारने से अफरा तफरी मच गई। भागने की कोशिश करते 10 सटोरियों को पुलिस ने दबोच कर गिरफ्तार कर लिया। मनीष कुमार, भवानी शंकर, किशन, जयप्रकाश, सुनील कुमार, सौरभ, राकेश कुमार, मुकेश, दीपक, विशाल को गिरफ्तार किया गया। सरदार शहर में मित्तल कॉलेज के पास दुकान के ऊपर एक रेजिडेंस बना हुआ था, उसमें करीबन 9-10 व्यक्तियों द्वारा जुआ खेलने की सूचना मिली। जिस सूचना की तस्दीक की जाकर रेड दी गई तो मौका पर 10 व्यक्ति जुआ खेलते हुए मिले, जिनसे 18,720 रुपये बरामद हुए जुआ राशि और इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। एसपी साहब द्वारा स्पेशल निर्देश दिए गए थे जिसके तहत यह कार्रवाई की गई। और अब खबर झालावाड़ जिले से।
डग ग्राम पंचायत द्वारा इस वर्ष राज्य सरकार के आदेश अनुसार कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक रूप से रावण दहन की परंपरा का निर्वहन किया गया। इससे पूर्व प्राचीन कुंड में पुजारी प्रभुलाल शर्मा द्वारा हमारे भगवान श्री राम लक्ष्मण की प्रतिमा लाई गई और विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना कर रावण दहन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत डग सरपंच प्रतिनिधि शंभू सिंह मंडलोई, जनसेवक दिलीप सिंह मंडलोई, उप सरपंच सुरेश कुमावत, काका भाजपा मंडल अध्यक्ष गोविंद सिंह परिहार, वार्ड पंच शंकर लाल राठौर, आशीष प्रधान, दिनेश मिरौलिया, प्रकाश लववंशी, दीपक खटीक, विहिप बजरंग दल गोरक्षा प्रमुख हिमांशु सोनी, पंचायत सहायक मंगलेश प्रधान, संतोष योगी और समस्त धर्म प्रेमी उपस्थित रहे। इस वर्ष जो कोरोना महामारी की चल रही है और जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसी की पालना करते हुए आज मात्र सांकेतिक रूप से रावण दहन किया गया है और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया है और आम जनता से कोई अपील नहीं की गई कि वो दशहरा मैदान में आए। आज हमने दशहरा मैदान से दूर ले जाकर रावण दहन किया है ताकि जो भारतीय परंपरा जो बनी हुई है वो परंपरा भी चलती रहे, साथ ही जो कोरोना गाइड की जो गाइडलाइन है उसकी भी हम लोग सभी पालना किए और आज इस शुभ अवसर पर पूरे पंचायतवासियों को ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि शंभू सिंह जी मंडलोई एवं पूरे वार्ड पंच की ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। आज प्रभु श्री राम ने आज ही के दिन रावण का वध किया था और मैं जनता से अपील करता हूँ कि अपने अंदर की जितनी भी बुराइयाँ हैं उन बुराइयों का आज हम संकल्प लें ताकि हमारा जो दशहरा मनाना है वो सार्थक हो सके। इसी के साथ सभी को जय श्री राम। भीलवाड़ा शहर में मुनि सुधा सागर के निर्देशन से पद्म प्रभु दिगंबर जैन मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। शिखर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। ट्रस्ट अध्यक्ष लक्ष्मीकांत जैन ने बताया कि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बिजौलिया में विराजित सुधा सागर से प्रतिनिधि मंडल के ने भेंट कर मंदिर निर्माण कार्य की जानकारी दी। मंदिर का शिखर निर्माण कार्य 45 फीट बन चुका है और करीब 61 फीट ऊंचा होगा। इसमें 20 फीट ऊंचा ध्वज स्थापित होगा। मुनि ने मंदिर निर्माण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मूल नायक पद्म प्रभु भगवान की प्रतिमा अतिशयकारी है। मंत्री पूनम चंद सेठी ने बताया कि इस क्षेत्र का पहला मंदिर अपने आप में अनूठा होगा। इस अवसर पर प्रकाश पाटनी, अशोक पाटोदी, ताराचंद झांझरी आदि उपस्थित थे। और अब खबर बारा जिले से। हरनावदा शाहजी कस्बे के मनोहर थाना रोड स्थित लंका चौक में ग्राम पंचायत की ओर से रविवार को लगभग 32 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन विधि विधान से किया गया। सरकार की गाइडलाइन की पालना हेतु ग्राम पंचायत द्वारा विशेष बंदोबस्त करते हुए लोगों से अपील कर रावण दहन का प्रोग्राम लोकल केबल नेटवर्क पर दिखाया गया। लंका चौक में दिन भर रावण का पुतला देखने के लिए कस्बे वासियों में काफी उत्साह दिखाई दिया। रावण दहन के समय कोरोना गाइडलाइन की पालना में भीड़ जमा ना हो इस हेतु थाना अधिकारी रविंद्र सिंह में जाप्ते के मौके पर मौजूद रहे। आतिशबाजी के साथ शाम 6:30 पर रावण दहन का कार्यक्रम हुआ। इस दौरान उप सरपंच मनीष सनहाढ्य, संजय पारेता, सचिव देवलाल नागर, वैद्य श्री कृष्ण शर्मा, देवेंद्र पंचोली समेत गणमान्य लोग मौजूद रहे। और अब खबर राजधानी जयपुर से। प्रधान कार्यालय से लेकर पैदल चलकर लियाकत खान चुगनी का काफिला चमन बॉडी कॉलोनी पहुंचा, जहां इरशाद ठा के नेतृत्व में सभी कॉलोनी के जिम्मेदारों द्वारा लियाकत खान चुगनी का जोरदार स्वागत कर फूलों की बारिश की गई। सभी ने एक आवाज में कांग्रेस पार्टी व लियाकत खान के नारे लगाए व भरोसा दिलाया, हम सभी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और आपको भारी मतों से विजयी करवाएंगे। मासूम अली ने बताया कि लियाकत खान हम सभी के साथ पिछले काफी सालों से हैं, हम सभी के सुख दुख में साथ रहते हैं। अब हम सब की जिम्मेदारी है इनको जीत दिलाने की, सबको एकजुट होने की। लियाकत खान चुगनी ने सभी का शुक्रिया अदा किया और विश्वास दिलाया, आप सबकी दुआ और साथ रहा तो हम सब मिलकर अपने वार्ड का विकास करेंगे। जनता की परेशानी मेरी परेशानी होगी,
ये मैं आप सभी से वादा करता हूँ। और अब खबर चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र से। हिंदू जागरण मंच गंगरार द्वारा विजयदशमी पर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया गया। हिंदू जागरण मंच नगर संयोजक भारत सोनी ने बताया कि विजयदशमी का हमारे हिंदू समाज में बहुत महत्व है, क्योंकि इसी के दिन सत्य पर असत्य की जीत हुई थी। जिला सह संयोजक हितेश चतुर्वेदी ने बताया कि विजयदशमी के दिन ही विश्व के सबसे बड़े संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नागपुर में डॉक्टर केशव राम बलिराम हेडगेवार द्वारा स्थापना की गई। जिला सह संपर्क प्रमुख जितेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि विजयदशमी के दिन ही भगवान राम ने रावण का वध करके असत्य पर सत्य की जीत हासिल की। नगर सह संयोजक उत्तम सिंह चौहान ने कहा कि अभी जिस तरह से हिंदू समाज में और राष्ट्र विरोधी ताकतें रावण की तरह हरकतें करते हुए हमारे समाज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, उन हालातों में हम सभी को एक होकर समाज की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। कार्यक्रम में नगर व्यायाम शाला प्रमुख संतोष जारोलिया ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में नगर युवा वाहिनी सह प्रमुख हेमंत शर्मा, नगर सह व्यवस्था प्रमुख ललित आचार्य मोदी, विचार मंच जय मालवा प्रांत प्रमुख मनोज गालव, सनी पंचोली, रवि सेन, दीपक पंचोली, छोटू सनाढ्य आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ में ढाबा संचालक विनोद साहनी द्वारा 2 दिन पूर्व आग लगाकर आत्मदाह का प्रयास किया गया था, जिसे अनूपगढ़ के राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद अन्यत्र रेफर कर दिया था, जिसकी कल बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में उपचार के दौरान मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और महिलाओं सहित सैकड़ों की संख्या में मृतक के परिजनों ने राजकीय चिकित्सालय के सामने धरना लगा दिया। मृतक के परिजन ढाबा संचालक विनोद साहनी को आत्मदाह हेतु प्रताड़ित करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने व अनूपगढ़ थानाधिकारी रामू राम को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद है। प्रशासन परिजनों से समझाइश के प्रयास कर रहा है। इस मौके पर उपखंड अधिकारी पवन कुमार, रायसिंह नगर DSP ताराराम सहित नजदीक थानों के थाना प्रभारी में स्टाफ मौजूद है। मेरे लड़का ने यह होटल कर रखा है, साथ साथ में उसका होटल है। मेरे लड़का को ग्राहक आता था, चलता था होटल, इस वजह से उसने बैर कर करके और 2-3 आदमी मिल करके, 2-3 नहीं 5-6 आदमी मिल करके उसको मारपीट करता था, ताकि ये यहाँ से भागे। बिहारी लोग आकर के यहाँ पर जमा लिया अड्डा, फिर जा करके मेरे लड़के ने गया वहाँ थाना में, गया थाना, पता न वहाँ से क्या कुछ कहा, उसने सुनवाई नहीं की। फिर मेरा लड़का यहाँ आया, आकर के अकेले गया था दुकान पर, वहाँ पर सामान सामान ला करके रखा था कि दुकान खोलेंगे, शाम को बिक्री होता है। उस टाइम गया था, 2 बजे का टाइम था। बीकानेर रोड पे एक प्रवासी जो इसने यहाँ होटल कर रखा है, बिहारी मजदूर है, उसको आसपास के कुछ लोगों द्वारा और कुछ फाइनेंस जो अनैतिक कार्य भी करते हैं ऐसे लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। बार बार थाने में गुहार करने के बावजूद ये SHO किसी भी तरह की सुन नहीं रहा था। पिछले लंबे समय से जब से ये CI श्रीगंगानगर जिले के श्योपुरा कस्सी ग्राम पंचायत सांगर भगवान सर तथा अन्य ग्राम पंचायतों में दशहरा पर मनाया गया। बुराई पर अच्छाई के प्रतीक दशहरे पर हालांकि रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण के बड़े पुतले नहीं जलाए गए, लेकिन बच्चों ने गांव में रावण के पुतले के प्रतीक को जलाया। बच्चों ने कहा कि रावण एक विद्वान था, लेकिन उसकी नीयत बुरी थी। पराई स्त्री का अपहरण करना बुरी बात है। इससे पता चलता है कि बच्चे भी अच्छाई बुराई के बारे में जानते हैं। छोटे बच्चों से बात करने पर बच्चों ने बताया कि सुना है कि सरकार दिवाली पर पटाखे बंद करने जा रही है, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इससे यदि बीमार मनुष्यों की जान बचती है तो हम सरकार के कदम का स्वागत करते हैं। कोरोना महामारी से ठीक हुए लोग पटाखों के धुएं से बीमार हो जाएंगे, हो सकता है कि अधिक प्रदूषण से किसी की जान भी जा सकती है, अतः हमें इस साल पटाखे चलाने को न मिले तो कोई बात नहीं। सेना ने भी विजय दिवस पर हथियारों की पूजा कर विजय दिवस मनाया।
श्रीगंगानगर जिले के नेशनल हाईवे स्थित ग्राम पंचायत रामसरा जाखड़ान के बस स्टैंड के समीप शनिवार रात्रि किसी समय एक कार अनियंत्रित होकर तीन पलटे मारते हुए पलट गई। इस दुर्घटना में कार सवार दो जने मामूली घायल हो गए, जिन्हें फोन करने पर परिजन अन्य साधन से अस्पताल ले गए। जानकारी अनुसार दिनेश मीना तथा राजस्थान पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर हनुमान मीना कल आए राज्य के एक नरंत्री की भगवानगढ़ में हुई एक सभा के बाद वापस सूरतगढ़ की तरफ लौट रहे थे कि अचानक कार के सामने आवारा गोवंश गोधा आ जाने से चालक गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा तथा कार तीन पलटे खाते हुए सड़क से नीचे जा पड़ी। साथ ही होटल में काम कर रहे कारिंदों ने दोनों को कार से बाहर निकाला तथा 108 एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। बाद में कार सवारों द्वारा घर में फोन करने पर परिजन उन्हें पहले अस्पताल ले गए। आपको बता दें कि कार का बैलून खुल जाने से दोनों बच गए, वरना चोट ज्यादा लग सकती थी। और अब खबर नागौर जिले के कुचामन सिटी क्षेत्र से। ग्राम पंचायत जीलिया में जगदम्बा वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खारिया सरपंच देवीलाल दादरवाल थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खारिया सरपंच दादरवाल ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। गांव में ऐसी अनेक प्रतिभाशाली होती हैं, लेकिन उनको निखारने की जरूरत होती है। गांव में ऐसे आयोजन समय समय पर होते रहने चाहिए, जिससे गांव के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सके। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के क्रम में परेवेड़ी सरपंच राजकुमार सोनी, इंडियन स्कूल निदेशक बुदाराम घोटिया, गिरधारी लाल बिजरानिया, नानू राम, राजू सिंह, दयानंद स्कूल निदेशक मुकेश रनवा, रिद्धकरण रनवा सहित कई मौजूद थे। और वहीं जैसलमेर जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने जैसलमेर से रेल यात्री सेवा आरंभ करने की आवश्यकता जताई और इसके लिए रेलवे अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया है। जिला कलेक्टर ने अवगत कराया है कि जैसलमेर आने जाने वाली समस्त यात्री ट्रेन कोविड लॉकडाउन की वजह से 23 मार्च से बंद है, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा हो रही है एवं सड़क मार्ग पर निजी साधनों से यात्रा के कारण काफी अधिक आर्थिक भार पड़ रहा है। जिला कलेक्टर ने लिखा कि शासन द्वारा पर्यटन एवं धार्मिक क्षेत्र खोल देने के कारण अभी भी जैसलमेर में पर्यटकों की आवाजाही साधनों के अभाव से प्रारंभ नहीं हो सकी, जिसका असर पर्यटन से जुड़े लोगों के रोजगार पर पड़ रहा है। जिला कलेक्टर ने कहा कि इन तमाम समसामयिक स्थितियों एवं आवश्यकताओं के मद्देनजर इन यात्री ट्रेनों के संचालक को प्राथमिकता क्रम में दीपावली से पूर्व आरंभ कराया जाना चाहिए। जिला कलेक्टर मोदी ने प्राथमिकता क्रम में पहले रानीखेत एक्सप्रेस जैसलमेर से काठ गौतम और काठ गौतम से जैसलमेर को चलाने और इसके उपरांत द्वितीय प्राथमिकता क्रम में रुनीचा एक्सप्रेस, जो कि नई दिल्ली से जैसलमेर तथा जैसलमेर से नई दिल्ली के बीच चलती है, उसका संचालन आरंभ करने पर जोर दिया है। जैसलमेर एक दूरस्थ जिला है, यहाँ पर कनेक्टिविटी के डिस्टेंसेस के इश्यूज हमेशा रहते हैं, और चूंकि ये जैसलमेर ज़िले की इकोनॉमी है उस वो टूरिज्म पर काफ़ी हद तक डिपेंड करती है, तो टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए जो दिल्ली से बॉम्बे से टूरिस्ट आता है उनको बढ़ावा देने के लिए रेलवेज़ का ऑपरेट करना काफ़ी ज़रूरी है। तो हमने ये एक रिक्वेस्ट की है कि कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए जिस तरह से अन्य राज्यों में अन्य शहरों तक रेलवे के कुछ संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, उसी तरह से जैसलमेर तक भी रेलवे लाइन वापस स्टार्ट की जाए, ताकि जो टूरिस्ट फ्लाइट से नहीं आ सकता या फ्लाइट अफोर्ड नहीं कर सकता वो जैसलमेर के माध्यम से कोरोना काल में भी, चूंकि यहाँ पर कोरोना के केसेस भी कम हैं, तो जैसलमेर तक पहुँच करके यहाँ पर्यटन की सुविधा प्राप्त कर। और वहीं जैसलमेर जिले में जन जन की आस्था के प्रतीक बाबा रामदेव का पैनोरमा बंद पड़ा है, जिससे इसको देखने के लिए आने वाले श्रद्धालु निराश होकर लौट रहे हैं। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए मार्च माह में लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन इसके बाद अनलॉक शुरू होने के बाद प्रदेश में धार्मिक स्थलों सहित लगभग सारे जगहों को खोल दिया गया है, लेकिन पोखरण रोड स्थित बाबा रामदेव जी का पैनोरमा स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के चलते गत 7 माह से बंद पड़ा है,
बाबा रामदेव की समाधि के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालु दर्शनों के बाद इसको देखने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन पैनोरमा के बंद होने से उन्हें निराशा हाथ लग रही है और वे इसको बिना देखे ही वापस लौट रहे हैं। प्रशासन द्वारा पैनोरमा को खोलने के लिए कदम नहीं उठाए जा रहे, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं में खासी नाराजगी है। गौरतलब है कि जन जन की आस्था के प्रतीक बाबा रामदेव की तपोभूमि रामदेवरा में राज्य सरकार ने 3 वर्ष पूर्व 4.25 करोड़ रुपए की लागत से बेहद सुंदर पैनोरमा बनवाया था, जिसमें बाबा रामदेव की जीवनी, विभिन्न प्रेरणादायी प्रसंगों और गौरवशाली गाथाओं की भव्यता के साथ फाइबर रिलीफ पैनल, धातु, सिलिकॉन व मार्बल की मूर्तियों एवं मिनिएचर पेंटिंग, शिलालेख आदि के माध्यम से दृश्य श्रव्य रूप में प्रस्तुत किया गया है। मैं तिवरी जोधपुर आया हूँ, अटे म्यूजियम बंद है, बाबेरा बटे भी परेशान हो रही हूँ, सब कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। बहुत अच्छा म्यूजियम देखने के लिए काफ़ी लोग आए हैं, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दे रहे, लोग दे रखे हैं और मैं वापस निराश होकर जा रहे हैं। स्टेट न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार।